नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के टेलको में संपत्ति विवाद में पुत्र ने पिता को रॉड से मारकर किया घायल। जमशेदपुर में जीवन से हतोत्साहित होकर एक युवती ने की आत्महत्या का प्रयास, एमजीएम में भर्ती। लगातार हो रही बारिश से दुर्गा पूजा पंडाल समेत मूर्ति बनाने में आ रही बाधा। और जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर 300 जिला पुलिस बल और 100 एनसीसी छात्र होंगे तैनात। खबरें अब विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज के कलयुगी पुत्र की। जी हां, आपको बता दें, टेलको थाना क्षेत्र के बारी नगर में घर और दुकान विवाद को लेकर मोहम्मद शरहाद ने अपने पिता को रॉड से वार कर लहूलुहान कर दिया। जख्मी पिता को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले के संबंध में हमलावर मोहम्मद शहादत के बड़े भाई मोहम्मद तौहीद ने बताया, दुकान और घर को लेकर विवाद चल रहा है। सोमवार को छोटा भाई शहादत दुकान का शटर तोड़ रहा था, पिता ने उसे मना किया। पिता के मना करने पर शहादत ने पिता पर रॉड से वार कर लहूलुहान कर दिया। पिता को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद, सामने देख के मोहम्मद तौहीद तौहीद और उस बड़ा भाई हो ना? हाँ, मोहम्मद शहादत उसका बड़ा नाम शहादत। वो बोला आप मारा है हम लोग को। हम तो कंपनी से निकल गए, तब तक देख रहे कि इनको मार मुड़ दिया, फिर हमको दौड़ाया तो देखिए मिला, देखा दिए। क्या चीज़ से मारा? रोड से मारा। क्यों मारा फादर को? ये लोग ताला तोड़ रहा था, फादर मना किए कि क्यों ताला तोड़ रहे हैं। किस चीज़ का? शटर का। शटर का ताला तोड़ रहा था। घर दुकान घर सब है उसमें। अच्छा, आप लोग सब एक साथ रहते हैं? हाँ, हम रहते हैं वहीं। हम भी रोड पे रहते हैं। क्या विवाद है? घरेलू विवाद से? घरेलू विवाद है, जमीन मेरा नाम से है, हम वहाँ रह रहे हैं और जबरदस्ती जाकर ताला तोड़ रहे हैं। बोला मेरा वाइफ को मारता है लोग, ऐसा कुछ है बात? नहीं नहीं, गलत बात है। इधर जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज की इंटर की छात्रा पूजा कुमारी ने मिर्गी की दवा ज्यादा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। छात्रा पूजा कुमारी की बड़ी मां फूला देवी ने बताया, पूजा को पिछले 5-6 साल से मिर्गी की बीमारी है। उसे रोजाना बीमारी की एक दवा दी जाती है। महिला ने बताया, पूजा अपनी जिंदगी से हतोत्साह होकर मिर्गी की 5-6 टैबलेट खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पूजा को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र साहब कहाँ रहते हैं? तो वही 4-5 तो खा ली। क्यों? वही अपना बीमारी से तंग हो गए कि मेरे को अच्छा हो नहीं रहा, इलाज करा रहे हैं ठीक हो नहीं रहा, तो हम जी ही नहीं खोते हैं। मेरा शादी ब्याह होगा ही नहीं, कहीं कैसे जीवन पार करेंगे, यही बोलती है। हम लोग तो समझाते हैं लेकिन समझती नहीं। मैं चिंता में रहती हूँ। हाँ, चिंता में रहती है, और कोई बात नहीं, इंटर में पढ़ रही है। कहाँ पर? ये सच्ची वाला कॉलेज है ना? करीम सिटी कॉलेज। हाँ, मैं ग्रेजुएट कॉलेज। हाँ, ग्रेजुएट में। ग्रेजुएट कॉलेज। हाँ हाँ। उसको चिंता सताता है। हाँ, चिंता। कब से है इसको बीमारी? ये कितना दिन से? बचपन से, मतलब जन्म लिया तब से नहीं है, 4-5 साल का हो गया तब से। कहाँ रहते हैं? उधर पूरे झारखंड राज्य में 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। इधर दुर्गा पूजा को लेकर बनाए जा रहे पूजा पंडाल और खासकर मिट्टी की मूर्ति निर्माण में बारिश सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आई है। नवरात्र के दूसरे दिन 3 दिनों बाद बारिश रुकी तो वहीं मूर्तिकार बड़ी मशक्कत कर मूर्तियों को सुखाने में दिन रात लगे हुए हैं। इधर आदित्यपुर स्थित एस ड्राइव में सिंहभूम बॉयज क्रिकेट क्लब द्वारा बनाए जा रहे पूजा पंडाल को अब कारीगरों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगातार हुई बारिश के कारण यहां पंडाल निर्माण के साथ विद्युत सज्जा का काम भी काफी प्रभावित हुआ है, लेकिन पूजा कमेटी और पंडाल निर्माता कारीगर दिन रात मेहनत कर काम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इधर मूर्तिकारों को भी मूर्तियां बनाने और सुखाने में काफी मेहनत करना पड़ रहा है।
मूर्तिकारों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण उन्हें मूर्तियों को सुखाने के लिए ब्लोअर, हीटर आदि का सहारा लेना पड़ रहा है। बहुत लगातार हो रहा है, कम से कम विश्वकर्मा पूजा का दिन से तो पानी हो ही रहा, दिक्कत भी उसमें बहुत हो रहा है। मिट्टी सूखेगा तो ना मूर्ति बनेगा, तो और भी ब्लू लैंप से सुखा के, गैस से सुखा के काम आगे बढ़ रहा है। नहीं, तकलीफ बहुत हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ से मूर्तियाँ बना रहे हैं। मिट्टी अगर बढ़िया से नहीं सूखेगा तो हम तो फिनिशिंग कर नहीं पाएंगे, और इसलिए मन दिक्कतें हो रहा, दिक्कत के कारण मूर्ति थोड़ा अनकम्प्लीट हो जा रहा है। क्या क्या दिक्कतें आई आप लोगों को? काम बाधित हुआ है, लेकिन अब मौसम ठीक रहने से अब सब ठीक हो जाने की उम्मीद है। पेंट बाकी है, पेंट हो जाएगा, लगभग पंडाल कंप्लीट ही है। लाइटिंग बाधित हुआ था, लाइटिंग का भी काम एक से दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या कलाकृति बन रही है? यहाँ ये बेलोर का आपको गोल्डन टेम्पल है। वही जमशेदपुर में दुर्गा पूजा में 300 जिला पुलिस बल के अलावा बाहर के पुलिस बल और 100 एनसीसी छात्र छात्राएं तैनात रहेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी अनुप बिरथरे ने सिटी न्यूज को बताया, एक महीने पहले से सारी सुरक्षात्मक तैयारियां चल रही है। थाना और जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक पूरी की जा चुकी है। 300 जिला पुलिस बल के अलावा बाहरी पुलिस बल और 100 एनसीसी छात्र छात्राएं तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया, दुर्गा पूजा की मार्केटिंग के मद्देनजर मार्केट में सादे लिबास में जगह जगह पुलिस रहेगी। साथ ही पूजा मौसम में अंतरप्रांतीय पॉकेट मारी गिरोह सक्रिय रहता है, इसे ध्यान में रखकर लॉज और होटलों की जांच की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया में फैली अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील एसएसपी ने की है। बिरथरे ने कहा, पॉकेट मारी की घटना शून्य पर लाना संभव नहीं है, पुलिस के साथ आम लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। एसएसपी ने कहा, प्रमुख शहरों में पूजा के दौरान आतंकवादी घटना जमशेदपुर में होने की खबर नहीं है। जिला पुलिस और खुफिया विभाग आपस में सामंजस्य किए हुए हैं, बावजूद विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने आम लोगों से जागरूक रहने तथा किसी प्रकार की सूचना मिलने पर 100 नंबर पर डायल करने की अपील की है। को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। दुर्गा पूजा जमशेदपुर शहर के लिए बहुत बड़ा उत्सव है, लाखों लोग षष्ठी से लेकर और दशहरे तक रोड पर होते हैं। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने में जमशेदपुर पुलिस की मदद करें, इसके लिए जमशेदपुर पुलिस ने काफ़ी विस्तृत तैयारियाँ की हैं। हर इम्पोर्टेंट चौक चौराहे पर और स्टैटिक स्थलों पर मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती होगी। लगभग 300 से अधिक स्थानों पर फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या किसी भी प्रकार की शिकायत करने के लिए या सूचना देने के लिए आप 100 डायल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जमशेदपुर पुलिस के कंपोजिट कंट्रोल रूम का एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए आप उस व्हाट्सएप पर भी टेक्स्ट या वीडियो या मैसेज इत्यादि भेज सकते हैं। साथ ही जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के होटल रहमान में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में गिरफ्तार 4 अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। रविवार को होटल रहमान और होटल संचालक मोहम्मद शमीम के घर से पुलिस ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस जब्त कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि होटल मालिक मोहम्मद शमीम भागने में सफल हो गया। चारों गिरफ्तार अभियुक्तों को MGM अस्पताल में मेडिकल जाँच करवाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से चारों को घाघड़ी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इधर आजाद नगर थाने के ASI प्रमोद पासवान ने बताया, होटल मालिक मोहम्मद शमीम और उसकी पत्नी नसीमा कुरैशी पर छापेमारी में बाधा डालने का आरोप लगाकर नसीमा को भी अभियुक्त बनाया गया है। उसमें तो टोटल 6 आदमी है, 6 आदमी पर FIR हुआ है और उसमें से 4 आदमी अरेस्ट हो गया है, 2 आदमी बचा हुआ है, मोहम्मद शमीम और उसकी पत्नी। पत्नी पे भी केस हुआ है? जी हाँ, उसकी पत्नी पर, क्योंकि उसकी पत्नी भगाने में सहयोग किया और इशारा कर दिया कि आप लोग पीछे से भाग जाइए, तो लोग भाग गया दोनों आदमी।
ठीक है ना, उसकी पत्नी भी भाग गई। अरे ये लोग पीछे से इशारा किया कि आप लोग भाग जाइए, भाग करके ये लोग होटल में छिपा हुआ था। पत्नी का नाम? पत्नी का नाम बताते हैं हम। मेन मालिक कौन है इधर देख के बोले? मेन मालिक मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीम वो मालिक है जी। पत्नी का नाम क्या है उसका? पत्नी का नाम देख के बताते हैं। और जमशेदपुर में जेवीएम कदमा मंडल अध्यक्ष बच्चे लाल स्वच्छता मिशन की सफलता पर सवाल खड़ा किया है। जेवीएम कदमा मंडल अध्यक्ष बच्चे लाल भगत बिष्टुपुर राम मंदिर के पीछे बस्ती वालों के साथ ज्ञापन देने डीसी कार्यालय पहुंचे। इधर उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वच्छता मिशन की सफलता पर जिला प्रशासन के दावे पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने बताया बिष्टुपुर राम मंदिर के पीछे बस्ती के लोग नरकीय जीवन बिता रहे हैं। बस्ती में ना सार्वजनिक शौचालय है और ना ही लोगों के घरों में पीने का पानी की व्यवस्था है, ना ही बस्ती में बिजली है। बस्ती के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिष्टुपुरवासियों को शौचालय देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिष्टुपुरवासियों को शौचालय देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिला प्रशासन मनमानी। बिष्टुपुर राम मंदिर के पीछे रहने वाले लोगों ने मुझे वहाँ पे बुलाया और बुला करके अपनी व्यथा को बताया कि हम लोग नारकीय जिंदगी से हम लोग जूझ रहे हैं और ये नारकीय जिंदगी उनका 80-90 वर्षों से चल रहा है। वहीं पे सांसद जी का घर है, बिष्टुपुर क्षेत्र में उनका आवास है, कार्यालय है, माननीय मंत्री जी का भी आवास, सरजू राय जी का आवास पड़ता है और उनका विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है। लेकिन इनका विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद अपने क्षेत्र के लोगों का, गरीब का कोई देखने वाले लोग विधायक नहीं है। भाजपा की सरकार है, भाजपा की मंत्री और सांसद है। माननीय उपायुक्त महोदय, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को भेजा कि हमारा जिला पूर्वी सिंहभूम स्वच्छ हो गया है, पूर्णतः स्वच्छ हो गया। साथ ही सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड के झुंडकुली स्थित टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के गेट के समक्ष झारखंड मजदूर कोल्हान यूनियन तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। कंपनी से विस्थापित प्रभावित वर्षों से कार्यरत मजदूरों को बैठाए गए मजदूरों को काम में वापस रखने की मांग को लेकर झारखंड टाइगर चंपाई सोरेन के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरायकेला विधानसभा के विधायक चंपाई सोरेन ने टाटा स्टील लोग प्रोडक्ट को चेतावनी देते हुए कहा कि 10 दिनों के अंदर निकाले गए मजदूरों को काम पर वापस नहीं बुलाया गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं चंपाई सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि दर्जनों गांव कंपनी से प्रभावित है लेकिन यहां के आदिवासी मूलवासी को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 85% आदिवासी मूलवासी को नौकरी देना होगा। अन्य झारखंड मुक्ति मोर्चा सैकड़ों मजदूरों के साथ कंपनी की काम को बाधित करने को मजबूर होंगे। हमसे भेंट किया था, आवाज नहीं निकल रहा था, आंसू निकल रहा था कि हम क्या गलती किया। ये प्लान बोलते रोड का काम नहीं होता है, ये परमानेंट है। ये जो टाटा इसे लोन प्रदान का देवाल परमानेंट है तो अंदर में परमानेंट होकर काम करेगा, कोई ठेकेदारी काम नहीं करेगा। आप चाहते हैं हमको ये सरकार बचा देगा, जब वर्तमान सरकार, ये सरकार बदलते रहता है। आने वाला दिन झारखंड का सरकार आएगा, एक मूलवासी आदिवासी का सरकार आएगा और एक काटा कंपनी जितना दिन से दर्द दिया है उस दर्द का हिसाब किताब भी लेने आता है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। युवा कर्मठ और जुझारू नेता शंभु चौधरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनता की आवाज बनकर उनको हक दिलाना, गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले शंभु चौधरी को लोग भविष्य का प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। मानगो नगर निगम घोषित करने को लेकर शंभु चौधरी ने जोरदार आंदोलन की शुरुआत की थी, साथ ही मानगो की अंचल बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उतना ही नहीं, सैकड़ों गरीबों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में शंभु चौधरी ने दिन रात मेहनत की।
गरीब गुरुओं की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहने वाले इस युवा और हर दिल अजीज नेता के लिए हर राजनीतिक दलों के दरवाजे खुले हैं, पर इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनाया। मानगो क्षेत्र की जनता के लिए लगातार संघर्ष करने वाले शंभू चौधरी ने अपना अलग मुकाम बनाया है और क्षेत्र की जनता को उन पर अटूट विश्वास है। फिलहाल मानगो में नगर निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर शंभू चौधरी आंदोलनरत है। बहरहाल हर दिल अजीज और जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहने वाले ऐसे जुझारू युवा नेता की जरूरत लोगों को है, जो उनकी आवाज बनकर उचित फोरम में उठा सके और लोगों को न्याय दिला सके। मानगो क्षेत्र की जनता को शंभू चौधरी से काफी उम्मीदें हैं और शंभू चौधरी में इन उम्मीदों पर खरा उतरने का जज्बा भी है। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित रामाकृष्णन फोर्जिंग में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 236 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान न केवल अन्य व्यक्ति के जीवन को बचाता है, बल्कि ये रक्त देने वाले को स्वस्थ बनने में भी हेल्प करता है, इसलिए ये दोनों के लिए फायदेमंद है। उक्त बातें आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित रामाकृष्णन फोर्जिंग कंपनी में आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर अतिथि के रूप में कंपनी के वीपी शक्ति सेनापति ने कहा। कार्यक्रम के दौरान कामगारों को उन्होंने रक्तदान के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रामकृष्णा फोर्जिंग कंपनी प्रति वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करता है, जिसमें कामगार के साथ साथ कंपनी के अधिकारी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रक्तदान शिविर में 236 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। ठीक है, सामने देखिए सब लोग। आइए डॉक्टर साहब। हाँ, चलिए। जांच कीजिए, हम लोग हो गया होगा। हर साल की तरफ इस साल भी हम लोग अपना कंपनी के परिसर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का करते रहते हैं, और इसमें मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम लोग अपने जो कंपनी के परिवार है इनको आज जो बाहर के लोगों है, हम लोग कंपनी के परिसर के बाहर उन समाज के लोगों को भी हम लोग समय समय पे रक्त दान कर समय सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग का लक्ष्य रहता है कि समाज के विकास के साथ साथ कंपनी का विकास भी दोनों एक ही साथ होता है। तो हम लोग अपना कंपनी की तरफ से सभी एम्प्लॉई समाज की सेवा के लिए जागरूक रहकर ये ब्लड डोनेशन हर साल करते रहते हैं। इधर जमशेदपुर में कपाली स्थित झारखंड पब्लिक स्कूल में खिदमत मिल्लत की ओर से निःशुल्क एक दिवसीय नेत्र चेकअप कैंप लगाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए खदमते मिल्लत के अध्यक्ष मोहम्मद सरोज शरीफ ने बताया, कैंप में 225 लोगों की आंख की जांच की गई। वही जमशेदपुर के बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में महाराज अग्रसेन जयंती पर अग्रवाल सम्मेलन की ओर से राजस्थानी लोक नृत्य पेश किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय मौजूद थे। मौके पर राजस्थानी महिलाओं ने राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत किया। इधर कविता अग्रवाल ने बताया, राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत करने में बड़ा आनंद आता है। आज अग्रसेन जयंती है, हमारा महाराज को जयंती है। यह जयंती मेरे खूब धूमधाम से मनावा है। ये आपको राजस्थान की संस्कृति का ये कले सब ना खूब खूब खनक खंभा गड़ी मार तरफ सा सब कुछ खाना थी। जय अग्रसेन, जय जय माधवी माता। क्या नाम हुआ? साथ ही जमशेदपुर में इस साल दुर्गा पूजोत्सव के दौरान फ्री लोड ट्रैफिक की व्यवस्था होगी। उक्त बातें जमशेदपुर के सिटी एसपी ने कही। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने उनकी ओर से शहरवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से कहा कि लोग धूमधाम और शांति व सभ्य तरीके से पूजा मनाएं। उन्होंने कहा, इस साल दुर्गा पूजा के दौरान फ्री लोड ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, साथ ही शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शांति से और बहुत ही सुखमय तरीके से मनाएंगे। सबसे पहले तो पूजा पे सभी जमशेदपुर वासियों को हार्दिक बधाई और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पूजा बहुत ही धूमधाम से और सभ्य तरीके से एकदम जिस प्रकार पूजा होती है उसी प्रकार मनाएं। सेकंड, इसमें ट्रैफिक की व्यवस्था को लेके हम लोगों ने पूरी रणनीति बनाई है, जहां हमको रूट डाइवर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग डाइवर्ट करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जमशेदपुर की जनता को एक फ्री फ्लो ट्रैफिक देने की स्थिति में रहेंगे पूजा के दौरान भी। जहाँ तक चोरी की बात है, हम लोग लगातार कुछ विशेष दस्ते गठन करके इस पर लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और जल्दी ही हमको इसमें कोई कामयाबी मिलेगी। और जहाँ तक इधर जमशेदपुर के बारीडी में 6 लाख रुपए के सामान की चोरी के मामले में नौकरानी न्याय के लिए SSP से मुलाकात की। इधर पीड़िता के साथ न्याय दिलाने के लिए सिटी SP से मिलने पहुंचे दिनकर कच्छप ने बताया, मनोज कुमार के घर में 29 अगस्त को चोरी की घटना घटी थी। सीमा रविदास मनोज के घर में काम काज करती थी। मनोज ने सीमा रविदास पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर महिला को घर में 4 घंटे तक बंद कर रखा। उन्होंने सिद्धगोड़ा पुलिस पर भी जांच के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जिसमें वो सिद्धगोड़ा थाना को फोन किया, वो सिद्धगोड़ा थाना के अंतर्गत में आती है और जब थाना से एक व्यक्ति गए थे जो विदाउट ड्रेस में थे और सीमा रविदास पे जोर डाल रहे थे कि तुमने चोरी की हो। और जो एक मनोज कुमार सिंह के यहाँ काम किया करती थी, करीबन चार साल से काम कर रही थी और 29 तारीख को इनको घर पर बुलाया गया और कुछ पूछताछ किया गया, जबकि उनके घर में एक चोरी उरी हुआ था। तो ये चोरी कब हुआ ये नहीं पता, लेकिन 29 अगस्त को इनको बुलाया गया और इन पे वो इल्ज़ाम लगा दिया गया और इल्ज़ाम लगा के बोला जा रहा था कि तुम मेरा गहना ली हो और गहना चोरी किया हो, तुमको वापस करना होगा। और उसके चलते इनको 4 घंटा कमरे में बंद रखा गया और उसके बाद सिद्धगोड़ा थाना से एक आला अधिकारी जाते हैं बिना वर्दी वाले और वो इन पे गलत लांछन लगाते हैं और गाली गलौज दे के अभद्र बात बोल के, और एक महिला पुलिस नहीं भेज के, एक पुलिस को भेज के वहाँ पे इन महिलाओं पे गलत बात बोलते हैं और वहाँ के घर वाले और वो लोग सबको मिल के बोलते हैं कि अगर तुम मेरा जेवर नहीं लौटाओगे तो। साथ ही सरायकेला के ईचागढ़ एवं उसके पास के इलाकों में लगातार हुई बारिश के पानी से चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने से डैम का 9 रेडियल गेट को खोल दिया गया है। इस कारण निचले इलाकों में जल बहाव तेज के कारण मानी कोई अस्थायी पुल बह गया। वहीं इस गेट से बहने वाले पानी को आज कोलकाता से आई फाइन आर्ट्स के छात्रों ने अपने कैनवस पर उतारा। ईचागढ़ व उसके आसपास के इलाकों में लगातार 4 दिनों से मानसूनी बारिश के कारण चांडिल डैम का जल स्तर लगभग खतरे के निशान तक पहुंच गया है। वहीं खतरे की आशंका को भांपते हुए डैम के कर्मचारियों ने 13 रेडियल गेट में से 9 रेडियल गेट लगभग 100 मीटर तक खोल दिया। लगातार बारिश होने के कारण चांडिल डैम का जलस्तर अभी 181.15 मीटर है, जो कि डेंजर जोन 182 मीटर के करीब पहुंचने ही वाला है। वहीं अभी और बारिश होने पर लगभग 50 गांव में और भी बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। अभी जिला प्रशासन के निर्देश पर 9 रेडियल गेट खोला गया है। अब तक डैम के कैप्चर एरिया में 13 गाँव डैम के पानी से प्रभावित हुआ है। पिछले लगातार बारिश को देखते हुए 9 रेडियल गेट खोला गया है। वहीं बरसात और चांडिल डैम के मनोरम दृश्य के कलकत्ता के आई फाइन आर्ट्स के छात्रों ने देखा। मैडम अपना पूरा नाम बताइए। कैसा लग रहा है इसको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे जैसे वंदना ने कहा कि आउटडोर के लिए आए हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पूजा का टाइम है फिर भी आए हैं, तो ये जो काशबोन जा कि नाम बताइए ना। नाम प्रदीप सरकार। कैसा, कहाँ से आए आप? हम कलकत्ता से आए हैं, हम आर्ट कॉलेज में पढ़ता हूँ, छोबी आगने यहाँ से आया है। अच्छा लग रहा है डैम देख के? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा है, ये पहले हम देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
जमशेदपुर के टेलको में संपत्ति विवाद में पुत्र ने पिता को रॉड से मारकर किया घायल। जमशेदपुर में जीवन से हतोत्साहित होकर एक युवती ने की आत्महत्या का प्रयास, एमजीएम में भर्ती। लगातार हो रही बारिश से दुर्गा पूजा पंडाल समेत मूर्ति बनाने में आ रही बाधा। और जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर 300 जिला पुलिस बल और 100 एनसीसी छात्र होंगे तैनात। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।